कौर देसी तड़का की तरफ से आप सभी को सत श्रीकाल सलाम नमस्ते। चिकन कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, बट आज हम बनाने जा रहे हैं एग कबाब, वो भी घर पर इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से बनने वाले एग कबाब। तो आइए एग कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एग कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉइल्ड एग लिए हैं, इनको मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर लिए हैं बॉइल्ड आलू, उबले हुए आलू, साथ ही यहाँ पे लिया है एक छोटा प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, एक हरी मिर्च इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्च को। साथ ही यहाँ पे लिया है लहसुन का पेस्ट, मैदा और कॉर्नफ्लावर। मसालों में हमें चाहिए नमक, चाट मसाला, ओरिगैनो, पिसा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। तो आइए अंडा कबाब यानी एग कबाब बनाना स्टार्ट कर। अंडा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, बाउल में हमने जो ये बॉइल्ड आलू लिए थे वो ऐड कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे जो कि यहाँ पर बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। अब हम इसमें जो हमने यहाँ पर गार्लिक पेस्ट लिया था वो ऐड करेंगे, साथ ही यहाँ पर जो ये अनियंस लिए थे वो और ग्रीन चिली, साथ ही यहाँ पर जो ये सारे मसाले लिए थे पाउडर वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स इन बॉइल्ड आलूओं में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो कबाब बनाने से पहले हमने जो यहाँ पर बॉइल्ड एग लिए हैं इनके ऊपर हम हल्का सा नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि जो ये बॉइल्ड एग है ये फीके ना लगे। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और एक बॉल साइज मिक्सचर लेंगे और अब इसको फ्लैट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने जो बॉल बनाई थी उसको मैंने फ्लैट कर लिया है और अब जो हमने यहाँ पे अंडे बॉइल लिए है स्लाइसेस वो लेंगे और इसको इसके अंदर कवर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो स्लाइस हमने पोटैटो में डाली थी वो अच्छे से कोट हो गई है आलूओं से और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ एक प्लेट लेंगे, इन कबाब्स को प्लेट में रखते जाएंगे और ऐसे ही सारे कबाब्स बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारे एग कबाब्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अब इनको फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर इनको एक साइड पर रखेंगे। इनको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम और एक यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, बाउल में जो हमने यहाँ पर मैदा लिया था वो और जो कॉर्नफ्लावर लिया था इन दोनों की हमें एक स्लरी बनानी है। इसके लिए मैं इस मैदा और कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ी सी ऑरिगैनो ऐड करके एक स्लरी बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा की स्लरी रेडी कर ली है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर एक एक एग कबाब लेंगे, इसको इस स्लरी में डिप करके और ब्रेड इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके लिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और इस स्लरी में इसको डिप करेंगे। एक्सेस स्लरी को शेक कर लीजिए और अब इस ब्रेड क्रम्स में डाल दीजिए और इनको अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट कर लीजिए। इस प्रोसेस में आपको अपने दोनों हाथों का यूज करना है, बट एक हाथ को आपको स्लरी के लिए यूज करना है और एक हाथ को आपको ब्रेड क्रम्स के लिए यूज करना है। अगर आप यही गीला हाथ ब्रेड क्रम्स में लगा देंगे तो आपके सारे ब्रेड क्रम्स गीले हो जाएंगे और वो फिर अच्छे से कोट नहीं होंगे। अब आप देख सकते हैं कि कबाब्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इन सारे को ऐसे ही पहले स्लरी में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं सारे एग कबाब्स ब्रेड क्रम्स और स्लरी से अच्छे से कोट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए, तो आइए इनको फ्राई करते हैं। आप चाहें तो आप इनको इन कबाब्स को जिप लॉक में लॉक करके फ्रीजर में 5 से 6 दिन के लिए रख दीजिए और जब आपको खाना है उसी टाइम निकालिए 10 मिनट पहले और इनको फ्राई करके आप उसी टाइम सर्व कर सकते हैं। अब एग कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल भी रेडी है और एग कबाब्स भी रेडी हैं। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको इस ऑयल को मीडियम लो फ्लेम पर ही गर्म करना है और इस ऑयल को ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है। एक टाइम पे आपको इसमें 2 से 3 कबाब्स ही ऐड करने हैं, ज्यादा ओवरलोड करने से ये कबाब्स टूटने लग जाएंगे। अब हल्का हल्का ऑयल इनके ऊपर डालते जाएंगे और आप देख सकते हैं अच्छे से कबाब्स फ्राई हो रहे हैं बिल्कुल आराम से और इनका कलर भी जल्दी ही चेंज हो जाता है फ्राई होके। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली ब्राउन हो गए हैं, देखिए बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी कबाब्स भी फ्राई कर लेंगे।
फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं एग कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देखिए इनका टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा है। मैंने इसको तंदूरी मायो के साथ यानी तंदूरी मेयोनीज के साथ सर्व किया है। आप इसको नॉर्मल केचप या नॉर्मल मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलेगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर वॉचिंग लेटेस्ट न्यू वीडियोज़। थैंक यू।